Hello everyone, welcome back to my channel Art Crumbs, and today we are going to make some beautiful rakhis in part 2 of our series which we have started earlier. Iske liye sabse pehle hame ek newspaper lena padega, and after that I'll cut it into the two halves so that I have half a sheet. Then I have taken a broomstick और इसकी हेल्प से अब हम इस न्यूज़पेपर को रोल करेंगे. जितना पतला हो सके उतना पतला रोल करना, इट विल बी बेटर. ओके, नाउ पेस्ट इट यूजिंग द फेविकॉल टुवर्ड्स द एंड, एंड अब हम इसका ब्रूमस्टिक बाहर निकाल देंगे. इसी तरीके से और भी मैंने स्टिक्स रोल कर लिए. देन आई पेंट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई पेंट इट इन द रेड कलर 1/3 ऑफ इट्स पार्ट. देन गोल्डन कलर, एक क्रेलिक कलर लिया है मैंने. इसके बाद हम इसे ब्लू कलर से भी आगे पेंट करेंगे for the next third part. As you can see here, ठीक है, it is painted now. Now I'll roll it. जब आप इसे roll करोगे तो it will not be that easy. You have to use the fevicol, ठीक है, fevicol का use करके हम इसे roll करेंगे. और ये हमारा roll complete हो गया है. As soon as it is completed, then we will put the beads on it, ठीक है, to decorate it. I have taken these red and yellow beads क्योंकि ये इस पर काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है. यू सी ऑन ब्लू आई हैव टेकन मॉली थ्रेड हेयर नेक्स्ट एंड देन रैप्ड इट अराउंड दिस सर्कल. एंड आफ्टर दैट वी आर टेकिंग वन मोर मॉली विच इज हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड येलो. वी पेस्ट इट ऑन द बैक ऑफ द राखी. राखी के पैक पे पेस्ट करने के बाद वी विल टेक वन मोर सेट ऑफ पेपर, उसको भी हम बैक पे लगा देंगे सो दैट राखी हमारी ज्यादा स्टेबल बने. सी अ ब्यूटिफुल राखी इज रेडी एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट. राखी पार्ट टू, लेट्स स्टार्ट. अगेन आई हैव टेकन द रोल्ड न्यूज पेपर जो मैंने पहले रोल कर लिया था. एक पोस्टर कलर की कैप लिया मैंने, आप किसी बॉटल का भी कैप ले सकते हैं. उसके कैप के हेल्प से हम इस न्यूज पेपर को रोल करेंगे. Just see how I am doing it. ये रोल होने के बाद towards the end paste it using the fevicol. ये हमारा रोल जो है रेडी हो गया है. अब हम इसको कैप को बाहर निकाल लेंगे. Then I have taken this mauve colored anchor thread और अब हम इसको इसके अराउंड रैप करेंगे, ठीक है. रैप करने के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो यू हैव टू सी कि प्रॉपरली हो पाए. इसलिए इनिशियली इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज maybe fevicol to stick it, and then very slowly you have to do this process. बीच में कोई भी white gaps नहीं नजर आने चाहिए. आराम से we will be doing it. See how it is done. Is it looking beautiful? I hope yes. So this is now almost done, as we can see here. Now I have taken one yellow sheet. ठीक है, अब इसके लिए अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका जो रेडियस है इट शुड बी स्लाइटली बिगर देन माय इनर सर्कल ऑफ दिस रिंग व्हिच आई हैव फॉर्म्ड. राइट, कंपास से यू कैन मेजर एंड देन वील ड्रॉ दिस सर्कल. वील कट इट आउट. वंस इट इज कट वी विल बी नाउ टेकिंग येलो वूल फॉर इट. ठीक है, this yellow wool I am going to paste on this circle in circular shape almost approximately around the radii of the inner circle. ठीक है, अब इसके बाद हम इसे, ये हो गया है, then we'll cut it out. Edges हमने cut कर लिए हैं and now we are going to paste it on the back of this ring. ठीक है, इस तरीके से हम इसे पेस्ट करेंगे फेविकॉल यूज करके. इसके इनर साइड पे लगाओगे तो इट विल बी इजियर एंड यू कैन प्रेस इट स्लाइटली इनसाइड सो दैट इट बिकम्स वेरी स्टेबल एंड डजंट कम आउट. देन सिंस इट इज मॉव एंड येलो कलर सो मजेंटा गोज वेरी वेल विद इट. तो मैंने यहाँ पर मजेंटा कलर के बीड्स लिए हैं, पेटल बीड्स, एंड आई हैव पेस्टेड देम. यू कैन यूज एनीथिंग, ग्लू गन और फेविकॉल टू पेस्ट देम. See the look of it. आप जिस कलर का कॉम्बिनेशन लें उसी हिसाब से यू कैन टेक अ रिबन. आई हैव टेकन हेयर मॉव गोल्डन
मॉव इन येलो, सो आई एम टेकिंग गोल्डन रिबन. अभी हम उस गोल्डन रिबन को राखी के बाद पे पेस्ट करेंगे एंड इट इज डन. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. इफ यस एंड यू आर विजिटिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक इट एज मच एज पॉसिबल एंड ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट एंड व्हाट वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट. टिल देन, बाय बाय.